जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं राम जी की यह कथा। रामायण ऐसी प्रेरक, रोचक और भक्तिपूर्ण कहानियों को समेटे है जिन्हें जरूर जानना चाहिए। इन्हीं में से एक रोचक कहानी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त जामवान जी की है। इस भक्त की भक्ति के आगे हार गए थे श्री राम। खुद भगवान को लेनी पड़ी थी ऐसी प्रतिज्ञा। जामवान जी ब्रह्मा के अंशावतार माने जाते हैं। भगवान की आराधना, सेवा और सहायता करने के भाव से ही उन्होंने जामवान के नाम से ऋक्ष रूप में अवतार लिया था। दरअसल ऋक्ष के रूप में अवतार लेने का कारण था कि उन्होंने रावण को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु नर बानर आदि के अतिरिक्त किसी देवता आदि से न हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ऋक्ष रूप में रहकर राम जी की सहायता करेंगे। भगवान के रामावतार काल में वे श्री राम के प्रधानमंत्री बनकर रहे। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद उनकी खोज करने में वे हनुमान जी के साथ रहे। जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो जामवान ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और बताया कि उन्हें लंका जाकर क्या करना है। समय समय पर उचित सलाह देने के साथ ही उन्होंने लंका में युद्ध किया और बहुत से राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में जामवान जी का इतना प्रेम था कि लंका से अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने वहां से अपने घर जाने से ही इनकार कर दिया। उनकी जिद थी कि उनके चरणों को छोड़कर वे कहीं नहीं जाएंगे। जब हनुमान उन्हें प्रभु श्री राम से द्वापर युग में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा ले ली तभी उन्होंने अपनी जिद छोड़ी। घर आकर भी वे दिन रात भगवान का ही चिंतन मनन करते थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उसी समय द्वारिका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन उसी मणि को पहनकर सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल गया जहां एक सिंह ने उसे मारकर मणि छीन ली। बाद में ऋक्षराज जामवान ने सिंह को मारकर वही मणि प्राप्त कर ली। इधर द्वारका में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण उस दिव्य मणि को चाहते थे और उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। बस इसी बात पर मणि की खोज करने वे निकल पड़े। जब भगवान जामवान के घर पहुंचे तो देखा एक बालक पालने में मणि से खेलते हुए झूल रहा है। अपरिचित को देखकर बालक जोर से रोने लगा। श्री कृष्ण मणि को निहारने लगे तो ध्या चिल्ला उठी। भगवान को इस रूप में देखकर जामवान नहीं पहचान सके। दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चला पर कोई हार नहीं माना। भगवान ने एक जोरदार घूसा जड़ा तो जामवान कमजोर पड़े परंतु उनके मन में विचार आया कि उनके प्रभु के अतिरिक्त किसी में ऐसी ताकत नहीं है। इस भाव के आते ही उन्होंने देखा कि
उनके सामने धनुष बाण लेकर प्रभु श्री राम खड़े हैं, जिनसे आज्ञा लेकर वे अयोध्या से निकले थे। तब उन्होंने तुरंत प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर पूजन किया और उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जाम्बवती को समर्पित कर दिया। एक बार की बात है, बीड़ा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पहुँचे। नारायण नारायण, नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। नारद ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं? नारद जी, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देखाना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, एक काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, एक काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लेता हूँ। नारद जी, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उसी बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, पर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम वही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों का नाम लिखता हूँ
जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपने भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन पर भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं।